खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को सचिवालय में कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद मंत्री गोदारा ने कहा, साल 2011 के बाद से एनएफएसए में जो कोटा नहीं बढ़ा वो कोटा बढ़ाने का प्रयास रहेगा। इससे प्रदेश में कोई भी एनएफएसए लाभार्थी राशन से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, ऐसे में केंद्र सरकार से जो भी लाभ राजस्थान को मिल सकता है उसे राजस्थान को दिलाने की कोशिश रहेगी। एनएफएसए से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना पहली प्राथमिकता रहेगी। इंदिरा योजना की खामियों को करेंगे दूर। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इंदिरा योजना में कई खामियां थी, अब उन खामियों को दूर किया जाएगा। ये इनिशिएटिव बीजेपी का था, इसका फायदा जनता को मिल रहा था। बीजेपी सरकार की इस योजना को लेकर आई थी, कांग्रेस ने हमारी योजना का नाम बदला। प्रधानमंत्री की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक में नसीहत दी कि विधायक व मंत्री गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहें, वहीं अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में कम ध्यान दें। पीएम ने कहा था कि सभी अधिकारी काम करते हैं, नेता को काम करवाना आना चाहिए। इस सवाल के जवाब में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, पीएम मोदी की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उन्होंने जो कहा है उसे हम सही तरीके से लागू करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सानिध्य मिला है।